नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के विदिशा के ग्यारसपुर में मनरेगा में हो रहा है भ्रष्टाचार। जनपद पंचायत ग्यारसपुर की ग्राम पंचायत बूरी रामपुर का पूरा है मामला। मजदूरों के खाते में कई सालों से रोजगार गारंटी के तहत किया जा रहा है भुगतान। मजदूर को मालूम ही नहीं, जब मजदूरों को भनक लगी तो उनके जॉब कार्ड के द्वारा फर्जी मास्टर लगा कर राशि निकाली जा रही है, तब उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि लगातार 5 वर्ष से मास्टर लगाए जा रहे हैं, किसी और के द्वारा राशि निकाल ली जा रही है। 5 वर्ष से उन्होंने रोजगार गारंटी में कोई काम भी नहीं किया है। जब मीडिया कवरेज के लिए पहुंची तो मजदूरों ने बताया कि हमारे गांव में रोजगार गारंटी के तहत कोई काम नहीं दिया जा रहा है। सरकार लाख जतन कर ले, गांव में गरीब मजदूरों को रोजगार गारंटी में काम मिले, मगर भ्रष्टाचारियों के आगे सरकार भी बेबस और लाचार दिखाई देती है। मजदूर भी बेबस पंचायत में बैठे भ्रष्टाचारी अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। जनपद से लेकर ग्राम पंचायतों के कर्मचारी एवं अधिकारियों की मिलीभगत से ये सारा खेल चल रहा है। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि ग्राम पंचायत के कर्मचारी के पास ही मजदूरों का ATM एवं पासवर्ड रहता है, जिससे वह मस्टर लगाकर राशि का खाते में भुगतान कर देते हैं और राशि पंचायत कर्मचारी के द्वारा निकाली जाती है। जिले के आला अधिकारी नहीं दे रहे हैं ध्यान, गरीबों के हक का पैसा भ्रष्टाचारी डकार रहे हैं। संबंध में जब जनपद पंचायत CEO प्रमोद खरे से बात की गई तो उनका कहना है कि आपने ये मामला मेरे संज्ञान में लाया है, ग्रामीणों से आवेदन दिलवा दो, जांच कर कार्रवाई करेंगे। कहीं ना कहीं जनपद CEO की शैली पर भी सवाल खड़े होते हैं। जब मीडिया से ग्रामीणों ने शिकायत, इसके बावजूद भी साहब जनपद CEO आवेदन दिलवा देने के बाद जांच की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जनपद के कर्मचारियों की मिलीभगत एवं अधिकारियों की शय के कारण ही मनरेगा के कामों में गांव में भ्रष्टाचार जारी है। ग्यारसपुर संवाददाता अनीश खान मंसूरी की रिपोर्ट। गणेश राम सनोप टीका राम, उनका ये कहना है कि हमें 5 साल से अभी तक कोई मजदूरी नहीं मिली, ना वो काम पेगा रोजगार गारंटी में। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं गए पर उनके खाते में बराबर महिला उनके घर से और उनकी राशि जा रही है, बताएं। उनके में नहीं जा रही जी, उनके में नहीं जा रही, गणेश राम के में जी। और पहले किया होगा 5 साल से पहले जी, अभी जी उन्होंने नहीं किया, लेकिन अब वो करेंगे जी। उनका जॉब कार्ड भी इशू हो गया जी, और वो करेंगे। आपका कहने का मतलब है कि अभी तक उनकी राशि में 5 साल में नहीं गई कोई राशि जी? आपने रोजगार गारंटी के तहत कब से काम नहीं किया है? नहीं किया साहब, नहीं किया। कितने साल से? 5 साल 10 साल काम नहीं है रोजगार गारंटी में? आपने रोजगार गारंटी के तहत काम कब से नहीं किया है? रोड डाला था तभी किया। कितने साल पहले डाला था? अरे ध्यान नहीं है, बस पुराने सरपंच काम करो। अच्छा, पुराने सरपंच के तहत किया था। अभी 5 साल से आपने मजदूरी करी के नहीं रोजगार गारंटी में? नहीं की है। आया सर बोड़ी रामपुर से ही, वहाँ के जो रोजगार गारंटी के तहत मजदूर जिन्होंने 5 साल से कोई काम नहीं किया, उनके खातों में राशि आ रही है, उनको ये भी जानकारी नहीं कि कहाँ से आ रही है और अपनी राशि कहाँ निकाली जा रही है, उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। सकता हूँ सर, तो इसमें हम आपसे निवेदन कराएंगे कि उनसे आवेदन दिलवा दें, जो भी ऐसे अपने जॉब कार्डधारी हैं जिनको काम भी नहीं किया, पैसा भी आ रहा है और निकल भी जा रहा है, उनको मालूम नहीं, तो उनसे आवेदन दिलवा लें तो हम प्रॉपर जाँच करा देंगे, जो भी दोषी होगा उसका कार्रवाई की जाएगी।